Watching MF Corner. Harshvardhan Roongta of Roongta Securities is our guest this afternoon, and we're going to now answer some queries that have come in from our viewers. Shankar Sen is on the line with us from Andhra Pradesh. Hi, Shankar. Good afternoon. How can we help you? Namaste, madam. Namaste, bataiye. Madam, myself, Shankar Sen, age 37. Asal mutual fund mein investing mujhe kafi late umar mein pata chala. Last November 2018 से मैंने चालू किया है सर, 20,000 रुपीस SIP मैं कर रहा हूँ सर. एक्सिस फोकस्ड 25 मल्टी कैप फंड है, उसमें 4,000 रुपीस. कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप 4,000 रुपीस. SBI स्मॉल कैप फंड 4,000 रुपीस. मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और लार्ज एंड मिड कैप वो 4,000 रुपीस. और एक मेरा एसेट मिड कैप फंड 4,000 रुपीस. टोटल 5 फंड है मैडम. मैंने मेल किया था इसमें नवंबर 2018 से मैंने SIP शुरू किया. अभी मैं 37 इयर्स का हूँ. तो मेरा रिटायरमेंट है मार्च 2043. तो इंटरेस्टिंग बिटवीन रिटर्न्स के लिए क्या मेरा पोर्टफोलियो में मैं 11-12% रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एंड मुझे 3-4 करोड़ चाहिए इन माई रिटायरमेंट इन मार्च 2043. और 2030 में मेरा बेटा जो अभी 7 ईयर्स का है वो 17 ईयर्स का हो जाएगा, तो तब मुझे 40 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी 2030, 11 इयर्स फ्रॉम नाउ ऑन. तो ऑलरेडी मैंने डेफ्ट पोर्टफोलियो मेरा कंपनी का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, PPF, आदित्य बिरला सनलाइट मनी मैनेजर फंड में डाला हूँ. उसमें मेरा डेफ्ट का मैंने टेक केयर, आई टेकन केयर ऑफ माई डेफ्ट रेशियो. ये सिर्फ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए मैंने इसमें डाला है. पिछले 1 साल 2 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैडम. तो ये जो क्वेरी है मैडम, थोड़ा सा काइंडली मदद कीजिए. शाखा जी, आपने आप कहते हैं लेट शुरू किया है, लेकिन आपने काफ़ी अच्छे राह पे शुरू कर दिया है. सो हर्ष, इफ यू कैन आंसर इन हिंदी, हिज फंड आई मीन हिज फंड सिलेक्शन लुक्स क्वाइट डिसेंट एक्चुअली. इज ही ऑन ट्रैक टू अचीव बोथ हिज गोल्स? वेल शांका जी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 12-13% का अनुमान लगा रहे हैं कि भी लगभग इतना मुझे अगर आगे जाते हुए मिले तो क्या मेरे टारगेट्स पूरे होंगे, तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं SIP के जरिए, हम ये अनुमान लगाते हैं कि 12-13% आसपास लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए. तो उस लिहाज से आपका पोर्टफोलियो ठीक है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ठीक है. आपने ये भी कहा है कि हर साल का आप 10-15% बढ़ाएंगे, सो वो भी अच्छी बात है. तो ये सारी चीज़ अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो आपको मोर और लेस अचीव हो जाना चाहिए. आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं, जो आपकी स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं, लेकिन आपने नवंबर 2018 में शुरू किया है और जो आपने स्कीम्स लिए ज़्यादातर आपकी मिड कैप्स वगैरह में हैं. कोई हर्ज नहीं, आप कंटिन्यू करें, सिर्फ एक बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में. जो आपके पास एक SBI स्मॉल कैप फंड है, उसकी जगह पे आप एक और मल्टी कैप ले लीजिए. आपके पास 2 मल्टी कैप फंड ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप में से निकल के एक मल्टी कैप में आइए, ताकि अगर उन्हें कोई स्मॉल कैप कंपनी अच्छी लगती है तो वो सिलेक्टिवली चूज कर भी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश करना है. सो SBI मल्टी कैप या तो ICICI प्रूफ मल्टी कैप, इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम जोड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में. जो आगे जाते हुए आपको अमाउंट बढ़ाना है, जो हर साल का 10-15% आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बढ़ा सकते हैं आप. आपको कोई नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब अमाउंट काफ़ी अच्छा बन जाए 4-5 साल बाद, तो एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में और एडिशनली आप जोड़ सकते हैं, जो है IDFC इंडेक्स निफ्टी फंड. बस इसके अलावा आपको और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है. जैसा आपका पोर्टफोलियो वैसा आप रखें और आगे बढ़ते रहें. सिर्फ एक स्मॉल कैप की जगह एक और मल्टी कैप आप जोड़िएगा अपने पोर्टफोलियो में. ओके ओके सर, एक मेरा प्रॉब्लम है कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का ऑलरेडी 30,000 करोड़ हो चुका है. बीच में नया से मैं अगर शुरू करूँ किसी फंड में, तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है सर, जीरो से चालू करना पड़ता है सर. कोई भी फंड अगर चेंज हो गया, फंड मैनेजर रिजाइन करता है या कुछ करता है, नया सिरे से कोई मल्टी कैप फंड मुझे देना पड़ता है, तो जीरो से चालू करना पड़ता है. कंपाउंडिंग का बेनिफिट आने में टाइम लगता है. इस केस में मैं फंस जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा अगला 2-3 साल बाद, अगर कभी भी इधर एक्सिस फोकस में या कोटेक में या पारस्परिक लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर चेंज होता है या कोई फंड AMC का कोई टैक्टिक्स चेंज हो जाता है, मुझे फिर नया फंड में जीरो से चालू करना पड़ेगा ना, उस केस में मैं क्या करूंगा? मतलब मैं तो सिंपल मिडिल क्लास का हूँ, फिर मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? शांका जी, आपके 2-3 चीजें हैं. पहले है कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आप अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं. इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक फंड मैनेजर फंड हाउस मैनेज करता है.
अब फंड हाउस जब मैनेज करता है, सिर्फ एक जो फंड मैनेजर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, वो मैनेजर है, फंड मैनेजर है, तो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेते। आपको ये देखना है कि फंड हाउस के पास भी एक पूरी टीम होती है जो फंड को मैनेज करती है। अगर फंड मैनेजर चेंज भी हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उस फंड मैनेजर के साथ में सारे पैसे दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर लेने हैं। आप स्कीम का परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहें, अगर 6-8 महीने में ऐसे लगता है कि फंड उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जो पिछले मैनेजर के दौरान दे रहा था, तब आप सोच सकते हैं अपने फंड्स को दूसरी कोई स्कीम में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ जो है वो थोड़ी आगे जाके होगी। आज की तारीख में आपने शुरू किया, अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं, स्कीम्स अच्छी हैं, फंड मैनेजर फिलहाल तो कोई भी स्कीम में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, फिलहाल कंटिन्यू करते रहिए एज इट इज़। जब कोई बदलाव होगा उस समय किसी सलाहकार के साथ, या हमें वापस आप अपना ईमेल भेज सकते हैं और हम उस समय आपका रिव्यू करके ज़रूर बता सकेंगे कि इसमें कंटिन्यू करें कि कोई दूसरी स्कीम लें। जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो वहाँ छोड़ सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप दूसरी जगह शुरू कर सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो हम उस समय बात करेंगे जब ऐसी कुछ कोई डेवलपमेंट हो तब। ऑलराइट, होप दैट आंसर्स हिज क्वेश्चन। शंका जी, आपको we wish you the best of 2020 and may your funds make as much money. At the same time, Sumaira, would like to definitely compliment you and the way you've taken mutual fund literacy to everyone, because ever since the show has started, the quality of questions that have come by and the preparedness of our viewers has only increased. Well, I don't think I can take much credit for that, but I think across the country, actually, a lot of people much more learned have taken the first steps in improving literacy, and I think that's paying rich dividends now. And in fact, AMFI has also set out a very, very ambitious target for the next 10 years, so I can only hope to be a small spoke in that field, but thank you very much. A large important spoke in the wheel. Let's move on then. We have Arjun Prakash. He writes to us from Madhya Pradesh, has an SIP in Aditya Birla Sun Life Equity Fund for about 5,000 rupees for the past 20 months, wants to know what to do. Just looking at his details, we don't have much in terms of his age, his profession or his outlook from the fund or the goal that he has, but all we know is he has an SIP for the past 20 months, wants to know what to do. Yeah, so the Aditya Birla Equity Fund is a multi-cap fund, hasn't been on the top of the charts in terms of performance. So in that sense, but however, we would not write off Aditya Birla Mutual Fund completely on that count. So my suggestion to you, Arjun, is that whatever you've invested in the scheme up till now, which is the last 20 months, leave as it is. The fresh investments you can start in a new scheme. So do not pull out your money from whatever scheme that you're investing into right now, which is the Aditya Birla Equity Fund. The fresh SIPs that you do, pick any one of the two schemes which I'm going to recommend, which is a Kotak Standard Multicap or an SBI Magnum Multicap. Just pick any one of the two which you're comfortable with as a fund house and start investing there. Whatever you've done till now, leave it as it is with the Aditya Birla Equity Fund. Okay, our final query from today comes in from Sabinaya Sahu, who's written to us from Odisha. So Sabinaya has an SIP ongoing in the Axis 25 Focus Fund, wants to keep it for 15 years, wants to know how the fund is. So this is a fund that's top of the charts, right, you'd say? Yeah, absolutely. So this Axis AMC as an asset management company, the focused 25 schemes particularly, I mean, they've been doing extremely well over the last probably 1, 3 and 5 year period. So in that context, I don't think there is anything to worry about you being invested in this scheme. I think we'll simply continue. As you've said that you want to continue investing this for the next 15 years. Well, this is not a recommendation for the next 15 years, but most certainly for the next 1 or 2 years, you can continue with this scheme and then review, because an actively managed fund. So, you know, you could have a situation where this fund may not do well. So review like you're doing today after maybe a year or two from now, and then take a call whether you want to continue or not otherwise. And as I have already said, Axis Mutual Fund as a whole and this particular scheme in particular has done extremely well over the last 3 to 5 year period as well. So nothing to worry as of now. Okay, and over the last 3 years, this is a scheme that has returned almost 20%, 19-20%. Yeah. And that's launched in 2012. I think what it's since its inception, it's really been one of the better performers. Absolutely, and an 18 or a 20% kind of a return compounded over the last 3 to 5 years. And it's good because it's not a very large scheme as well, right? Under 10,000 crores. And Jinesh Gopani, I had him on my show Fund Anatomy as well the other day. And all in all, decent. Absolutely.
All right. Thanks a lot, Harsh, for joining us on this day. Wish you the best of everything in 2020. Yes. Happy and all New our Year. Viewers yes, as well. Thank you so much. Just before we wind down, pull up the intraday chart of Yes Bank. That one's taken a turn for the worst currently at the low point of the day. One of the worst performers on the Nifty in 2019. And that performance, underperformance, if you must, continues. But as we wind down on 2019, here is Surabhi Upadhyay breaking some myths about managing money and wealth. Let's take a look. Thank you for watching MF Corner. See you in 2020. Hi, folks. We've